हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्राइस एक्शन कोर्स के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्लैग पैटर्न किसे कहते हैं और बुलिश फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न चार्ट्स में कैसे दिखते हैं, उसके भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैग पैटर्न को आप कितने तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके डेफिनेशन क्या होते हैं, पहले उन चीजों को हम समझ लेते हैं। उसके पहले अगर हम यहाँ पे एक बार फ्लैग पैटर्न का डायग्राम देख ले, तो देखिए फ्लैग पैटर्न कैसा होता है। फ्लैग अगर हम जाने, अगर हमने कभी फ्लैग देखा होगा तो हमें पता है कि फ्लैग का एक पोल होता है और फ्लैग का जो रियल फ्लैग वाला एरिया होता है वो हमें इस तरीके का दिखता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है। ये है देखिए हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये है हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, प्राइस एक सर्टेन हाई तक जाने के बाद लोअर हाईज लोअर लोज बनाता हुआ कंटिन्यूअसली एक रेंज में चलता है, ठीक है। और उस रेंज का जब वहां से ब्रेकआउट होता है तो ये जो प्रीवियस हाई है ना, इसके रीटेस्ट पे हम यहां से बाई करके ये जो पर्टिकुलर फ्लैग का ये जो पर्टिकुलर पोल है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम यहां से मेजर करेंगे। इस मेजर टूल से मेजर करके यहां से जो पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर मेजर करने के बाद जो ऊपर की तरफ आएगा वही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा, ठीक है। सेम अगर हम बेरिश फ्लैग पैटर्न में देखें तो बेरिश फ्लैग पैटर्न में क्या होगा, ये देखिए हमारा फ्लैग है और ये पोल वाला एरिया, यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, हायर हाईज हायर लोज में आएगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा, बुलिश फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न ये दोनों एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है आपको कंटिन्यूएशन में फॉर्म होता हुआ दिखेगा और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है आपको कंटिन्यूएशन में फॉर्म होता हुआ दिखेगा, बट ये बुलिश कंटिन्यूएशन में बनेगा और ये बेरिश कंटिन्यूएशन में बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे कैसे देखा था, प्राइस बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या कर रहा था, लोअर हाइज लोअर लोस बनाता हुआ जा रहा था। वाइस वर्सा बेरिश फ्लैग पैटर्न में प्राइस क्या करेगा, हायर हाइज हायर लोस बनाता हुआ जाएगा, फिर उसका जो रीसेंट स्विंग लो जैसे ही वो ब्रेक करेगा और ये जो पर्टिकुलर चैनल है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, ये बुलिश में और ये बेरिश में, बेरिश में हमें फ्लैग का लोअर ट्रेंड लाइन देखना है और बुलिश में हमें फ्लैग का अपर ट्रेंड लाइन देखना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जब एक रेंज से ब्रेकआउट करके यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए तब हम यहाँ पे ले सकते हैं। और सेम यहाँ पे वाइस वर्सा बेरिश में ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करके प्राइस की जो प्रीवियस स्विंग था इसका रिटेस्ट करके अगर अच्छे से फॉल करे तो सेम ये जो पर्टिकुलर पोल जो है यहाँ से जितने परसेंट इसने फॉल करा होगा उतने ही परसेंट का हम डाउनसाइड नीचे टारगेट लेते हुए दिख जाएंगे। ये था एकदम सिंपल एग्जांपल और एकदम सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न का बता दिया है। अब एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ बुलिश फ्लैग कंसिस्ट्स ऑफ द फ्लैग पोल एंड अ फ्लैग एज सच इट रिसेंबल्स अ फ्लैग ऑन अ पोल, इट्स कंस्टिट्यूटेड आफ्टर द प्राइस एक्शन ट्रेड्स इन कंटिन्यूअस अपट्रेंड मेकिंग द हायर हाइज एंड हायर लोस, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज में आपको समझ में आ गया, जैसे कि मैंने बताया था ये कंटिन्यूएशन में बनेगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये दोनों ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिश फ्लैग हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन में बनेगा और बेरिश फ्लैग का भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बेरिश फ्लैग इज अ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दैट सिग्नल्स दैट एक्सटेंशन ऑफ द डाउन ट्रेंड वंस द टेम्पररी पॉज इज फिनिश्ड। एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न द बेरिश फ्लैग हेल्प्स सेलर टू पुश द प्राइस एक्शन फर्दर लोअर, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ गई। इसमें हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान देनी है कि बुलिश फ्लैग में जो होगा पर्टिकुलर ये जो हमारा साइडवेज एरिया होगा ना वो जनरली और मोस्टली हमेशा डाउन ट्रेंड का आपको एक चैनल फॉर्म होता हुआ दिखेगा और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और बेरिश में वाइस वर्सा अप ट्रेंड का एक चैनल बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद जब लो ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने तीन तरीके के स्ट्रक्चर मार्क करके रखे हैं, मैं तीनों को आपको दो मिनट में बहुत ही इजी भाषा में समझा देता हूँ। ये पर्टिकुलर फ्लैग है, देखिए ये पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल है। एक पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल में क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा और उसके बाद लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ इस पर्टिकुलर फ्लैग के तरह एक चैनल में ट्रेवल करेगा और उसके बाद प्राइस ब्रेक करेगा तो इस फ्लैग का जो पोल है इसका एरिया लेके हम टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फ्लैग एंड पोल कैसा होता है जिसमें ये जो फ्लैग बनेगा ना उसके बाद जो करेक्शन होगा ना वो साइडवेज करेक्शन होगा, यहाँ पे जो हाई है और जो लो है ना वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप का फ्लैग एंड पोल भी आपको बनता हुआ दिख सकता है, ये मोस्टली आपके बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म होता है। और ये हो गया हमारा थर्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये जो पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ना, ये जो पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये आपको मोस्टली मंथली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप अक्सर देखोगे एक बहुत बड़ी इंपल्सिव रैली के बाद यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूएशन होके एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना के वो फ्लैग कंप्लीट हो रहा है और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ से एक बड़े टारगेट की तरफ
ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वाइस वर्सा यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे समझा था वही सेम चीज है यहाँ पे। हायर हाई हायर लोस बनाता हुआ प्राइस ऊपर जाएगा एसेंडिंग चैनल की तरह, जैसे ही लोअर लेवल हमारा ब्रेक करेगा प्राइस नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। और ये जो मैंने बताया फॉल करने के बाद साइडवेज टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही हमारा लोअर एरिया ब्रेक होगा प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। और ये जो मैंने थर्ड सिचुएशन बताया, जैसे प्राइस कंटिन्यूअसली इंपल्सिव में फॉल करेगा, फिर धीरे 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 करके एक राउंडिंग फॉर्मेशन टाइप का बनाएगा, और ये मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, और उसके बाद प्राइस यहाँ से जैसे ही लोअर एरिया ब्रेक करे प्राइस फॉल कर सकता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, ये कैसे फॉर्म होता है ये समझा दिया, टारगेट हमें पोल के थ्रू कैसे डिसाइड करना है ये समझा दिया, और इसके डेफिनेशन भी बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल सिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए अब हम अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये आ गए हम फ्लैग पैटर्न के एग्जांपल्स के ऊपर। उसके पहले देखिए, जैसा मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आपको चीजें बताई जा रही है। जैसे मैंने बताया आपको पोल का जो एरिया होगा वो हम यहाँ से मार्क करेंगे, वो हम जो हमारा टूल होता है जिससे हम परसेंटेज को मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर टूल से हम यहाँ पे परसेंटेज को मेजर करेंगे, और जितना परसेंट ये एरिया होगा उतना ही हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा। ठीक है, सेम वाइस वर्सा देखिए यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न में भी अब आपको दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा बुलिश एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न के। ठीक है, तो देखिये ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। देखिए प्राइस ने क्या किया, एक पोल क्रिएट किया। देखिए एक डिसेंडिंग चैनल में प्राइस ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा था, जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ देखिए छोटा सा ब्रेक के बाद यहाँ पे आपको छोटा सा रिटेस्ट भी दिख रहा होगा, और प्राइस यहाँ से बाउंस करता हुआ दिख गया है। ठीक है, ये देखिए हमारा दूसरा पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न का। यहाँ पे एक पोल फॉर्मेशन हुआ चैनल में, देखिए प्राइस लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ फॉर्मेशन किया। जैसे ही ये पर्टिकुलर एरिया ब्रेक हुआ ये पोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने टारगेट्स को मेजर करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है अगर आप चाहो तो रिटेस्ट का वेट कर सकते हो, बट इंस्टेंट अगर आपको एक छोटा सा इस तरीके का फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है ना, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि वो रिटेस्ट हो। यहां से वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा एरिया ब्रेक हुआ हम इस पर्टिकुलर कैंडल ने जिसने उसे ब्रेक किया है उसी पर्टिकुलर कैंडल का एसएल रख के हम पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट मेजर करके टारगेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। ये देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, ये है हमारा पोल। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक साइडवेज रैली की है। देखिए यहाँ पे फ्लैग एंड पोल आपको उतना अच्छा तरीके से नहीं दिख रहा होगा, बट ये हमारे अजम्पशन के ऊपर और हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरीके से ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक पोल बना, यहाँ पे फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना, जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ से देखिए बाउंस आता हुआ हमें दिख गया है। तो यही था हमारा तीसरा बुलिश फ्लैग पैटर्न का पैटर्न। अब हम चलते हैं यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न पे। तो देखिए बेरिश फ्लैग पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया पोल होगा, हायर हाईज हायर लोस बनाता हुआ प्राइस जाएगा, जैसे ही हमारा लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा इस पर्टिकुलर कैंडल का हमारा एसएल होगा, अगर यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता है तो बहुत अच्छा, और वहां से ये जो पर्टिकुलर पोल है इसका हम यहाँ पे मेजर करके परसेंटेज टूल से हम नीचे डाउन साइड में टारगेट लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सेम फ्लैग। यहाँ पे देखिए असेंडिंग चैनल में प्राइस गया, यहाँ पे लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, देखिए ब्रेकआउट के बाद हल्का सा यहाँ पे रिटेस्ट भी आपको ये लोअर स्विंग लो का दिख रहा होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस फॉल किया है। और ये हमारा तीसरा पैटर्न। देखिए यहाँ पे एक, ये देखिए एक पोल है फ्लैग, फिर पोल फिर फ्लैग। देखिए यहाँ पे एक फ्लैग बना, फिर से यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली आप बोल सकते हैं दो फ्लैग का यहाँ पे कंटिन्यूएशन हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेरिश फ्लैग पैटर्न एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न को समझते हैं। एंड आई होप मैं आपको इस वीडियो में समझा पाया होऊंगा कितने तरीके के फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप देख सकते हो, और किस किस टाइम फ्रेम पे किस किस तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यही था आज के हमारे वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा रिपीट करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।